वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सम 99। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं ग्रामर सेक्शन में एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मीन्स होता है विस्मयादी बोधक वाक्य, मतलब विस्मय का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित कर देना, और बोधक मतलब बोध कराने वाले या फिर बताने वाले, मतलब ऐसे सेंटेंस जो विस्मय का बोध करा देते हैं, मतलब आश्चर्य का बोध करा देते हैं, ऐसे वाक्यों को विस्मयादी बोधक वाक्य कहा जाता है। ये हिंदी मीन्स हुआ, मतलब इस सेंटेंस का हिंदी मतलब एक सिंपल परिभाषा हुआ। चलिए हम इसको डेफिनेशन देखते हैं शॉर्ट टर्म में। सेंटेंसेस मतलब ऐसा वाक्य विच जिनमें आर यूज प्रयोग किए जाते हैं टू एक्सप्रेस व्यक्त करने के लिए, मतलब ऐसा सेंटेंस ऐसा वाक्य जिसमें ऐसे व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं सडन इमोशंस अचानक भावनाओं को, सच है जैसे जॉय खुशी, ग्रीफ दुख, शौक हैरानी, फियर डर। कुल मिलाकर क्या हुआ कि मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें अचानक भावों को, मतलब एकाएक या अचानक भावों को व्यक्त किया जाता है, तो ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इस प्रकार के वाक्यों में, मतलब इस प्रकार के जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्य होते हैं, इसमें कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं, मतलब ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। वर्ड लाइक जैसे हुर्रा, मतलब हुर्रा यदि वर्ड आ गया तो आपको वहाँ से समझ जाना चाहिए कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। ए लॉस दुख को दिखाता है, मतलब ये वर्ड आ गया तो भी आप समझेंगे। ब्रो सो बस व्हाट क्या आ अरे हा फाई, मतलब ये सभी वर्ड्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ये वर्ड आ जाएंगे और आगे एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहेगा तो आप समझ जाएंगे कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ही है। इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इस प्रकार के वाक्यों में एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसको बोला जाता है, इज अप्लाइड प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त किए जाते हैं। मतलब यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होती हैं इसमें विस्मय का बोध होता है, मतलब आश्चर्य का बोध होता है। और सेंटेंस क्या होते हैं इसके पहले मैंने आपको बताया है कि जो सेंटेंस होते हैं शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इसके पहले वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब चलिए एग्जाम्पल्स इसको हम समझते हैं। ए लॉस, ए लॉस कहाँ लगाया जाता है, जहाँ दुख की बात होती है। ए लॉस इज डेड, मतलब दुख की बात है कि वह मर गए चुके हैं या मर गए हैं। तो यहाँ से क्या समझ में कि जो ए लॉस वर्ड है स्वयं दुख को दिखाता है। व्हाट इन आइडिया, क्या विचार है। तो यहाँ पर जो व्हाट है, व्हाट वर्ड आया है, ये स्वयं आश्चर्य का बोध करा है, मतलब ऐसा विचार कि जिसको देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाएं, मतलब सामने वाला पर्सन किसी बात को लेकर ऐसी बातें बोल दे जो हमें आश्चर्यचकित कर दे, आश्चर्यचकित कर दे, तो ऐसे शब्द को, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। हाउ ब्यूटीफुल द रैम मॉर्निंग इज, सुबह कितना सुहाना है या सुबह कितना अच्छा है। यहाँ पे ब्यूटीफुल का मीन सुंदर होता है, लेकिन सुबह सुंदर नहीं बल्कि बहुत अच्छी की बात, मतलब हाउ ब्यूटीफुल द मॉर्निंग इज, मतलब सुबह कितना अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। मतलब इस सेंटेंस से जो हाउ वर्ड आया है स्वयं आश्चर्य को दिखाता है, लेकिन बहुत के सेंस को लिया हुआ है, मतलब हाउ स्वयं को बहुत जैसे मात्रा को दिखा रहा है। ब्रेव शाबाश, यू हैव प्लेड वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा खेला। तो यहाँ पे जो ब्रेव वर्ड है स्वयं शाबाशी देने वाला, मतलब आश्चर्य देखने वाला, मतलब सामने वाला ऐसा खेला कि जिसको देख करके हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो जाएं। व्हाट अ फाइन पिक्चर है, यह तस्वीर कितना सुंदर है या कितना अच्छा है। तो यहाँ पर जो व्हाट वर्ड आया है स्वयं बहुत ज़्यादा, मतलब आश्चर्य को दिखा रहा है। फाइन छी छी, यू हैव डन अ बैड वर्क, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, बुरा कार्य किया। बैड का मीन्स होता है बुरा, मतलब सामने वाला ऐसा कुछ कार्य कर दिया जिसको हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाएं। तो यहाँ पर जो फाइव वर्ड है स्वयं आश्चर्य का बोध करा रहा है, इसलिए हमारा ये सभी क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और दूसरी बात ये है जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं उसमें एक्सक्लामेशन वर्ड आते हैं, मतलब ऐसे वर्ड जो आश्चर्य का बोध करा दें।